सर ये ब्लड डोनेशन का काम जो है बहुत ही सामूहिक काम है और ये लोगों की भलाई का काम है। और इसमें इससे जो ब्लड डोनेशन से जो काफ़ी शरीर की बीमारियां दूर होती हैं और फ्यूचर में जो लोगों को सावधानी के लिए, और ये खून जो है परमेश्वर की देन है और क्या कह रहे हैं वैसे ही बनता नहीं है, मनुष्य के हम उसके द्वारा ही दिया जाता है और जो है एक सबसे अच्छा काम है जो लोगों की भलाई के लिए है। अभी तक कितनी यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है? हाँ, अभी जो है अभी हमारे यहाँ 70 से 75 आदमी, 70 से 75 आदमियों ने जो है वो रक्तदान किया है और सभी लोगों का साथ रहा है। फर्स्ट पहला ही कैंप है, बहुत अच्छा रहा जी, और मैं चाहूँगा कि हर साल हम इससे भी अच्छा कैंप बनाते रहें। ये हमने राधा कृष्ण मंदिर के ऊपर फर्स्ट कैंप है जी हमारा, और गांव की अच्छी रुचि थी कि भाई हम डोनेट करेंगे, और हम गांव वालों ने 4-5 गांव के आदमी थे, इन्होंने अच्छा सहयोग दिया। अब तक 73 डोनेशन हो चुकी है। आज का रक्तदान शिविर हाजीपुर गांव में डॉक्टर राम अवतार और डॉक्टर संदीप तंवर के सहयोग से लगाया जा रहा है। इसमें अपना ब्लड बैंक ने अभी तक 75 यूनिट एकत्रित करी हैं। गांव के लोगों में बहुत ही उत्साह रहा और बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस रहा। हम चाहते हैं कि गांव-गांव में जो ये अग्नि जो प्रज्वलित हो और लोग थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। मेरी आशा है कि लोग जो भी 18 से उम्र की उम्र से ज़्यादा हैं, 45 किलो से वज़न ज़्यादा है और 12.5 ग्राम से हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, वो रक्तदान करें और हर 6 महीने में एक बार ज़रूर रक्तदान करें।